श्री गुरु रविदास। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप बड़भागी हो जो दूर दूर तो उपराला कर करके महाराज के दर्शन करने आए हो। ये जो मेरे पास बाणी है, ये 40 शब्द साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के विच दर्ज हैं। बाकी सतगुरु महाराज की बहुत ज़्यादा बाणी है। सतगुरु महाराज परम सत्कार जो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु नानक पातशाह जदों गुरु महाराज के दर्शन करने गए तो उन्होंने ये बाणी लिया से। ये जो बाणी गुरु ग्रंथ साहब महाराज के विच दर्ज है, आप जी उदों तक सुखी नहीं हो सकते जदों तक अपने परम पिता परमात्मा जिदी असी होंद हाँ, आत्मक रूप जिदे साढ़े अंदर जो बसया है, जदों तक उदे नाल ही नहीं जुड़ांगे, उन्हों नहीं याद करांगे, ते सानू जो मर्जी संसार दा मिल जाए लेकिन परम आनंद की प्राप्ति नहीं होंदी। सतगुरु महाराज ने बहुत सुंदर किया है, सब को कड़े एक कुम्हारा, सब मिट्टी के भांडे सब का एको ही सृजनहारा। समय बहुत हो चुके है, इस कारण शब्द की शुरुआत जो है आप जी ने बड़ी गौर दे नाल गुरु महाराज का एक एक शब्द जो है अपने हिरदे विच बसा के लेना है और अपने घर सुखां दी जो भंडार लेके जाने हैं। राग गौड़ी बाणी साहब सतगुरु रविदास महाराज जी की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। बेगम पूरा शहर को नाओ, दुख दो नहीं ताठाओ, ना तस बीस खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल, अब मोहे खूब वतन गह पाई, वहाँ खैर सदा मेरे भाई, कायम दायम बेगम पूरा शहर को नाओ, दुख दो नहीं ताठाओ, ना तस बीस खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। साहेब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन अते पवित्र चरणा च जुड़ बैठे गुरु प्यारी सत्संग जीओ, सारिया संगतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास, धन गुरुदेव, धन गुरु रविदास। हर साल की तरह जो श्री गुरु रविदास विकास समिति जो सालाना जे कार्यक्रम करवाती है सत्संग का, आज का जो सत्संग का जे संत समागम है, कौम के अमर शहीद संत रामानंद जी उन्हां की शहीदी दिवस को समर्पित है। मुझे अच्छा लग रहा है कि विकास समिति अपने संतों महापुरुषों की कदर को जानती है। रविवार को आश्रम से बाहर जाना
थोड़ा असंभव होता है। वैसे भी मैं एक महीना यूरोप में गया हुआ था, तो आज पूरी संगत को था कि स्वामी जी खुद सत्संग करेंगे, वो संगत उधर काफ़ी आई हुई थी, लेकिन कार्यक्रम जो विकास समिति ने रखा हुआ था तो मैंने मन ही मन बना लिया हुआ था कि कोरोना काल में वो प्रोग्राम नहीं हो पाए तो मैं जाना ही है। कुछ मेंबर नहीं मान रहे थे, सेक्रेटरी जी कहने लगे कोई बात नहीं, अभी आगे आने वाले रविवार को आप कर देंगे। तो काफ़ी संगत कह रही थी कि कितने रोज हो गए आप आश्रम में सत्संग नहीं किया, तो आज का सत्संग आश्रम में हो। तो कुदरत की बात है कि मैं कभी इतना एब्सेंट आश्रम से रहा भी नहीं जितना इस दफा रहा, क्योंकि यूरोप में मैं तो केवल इटली में ही गया था, उन्होंने आगे फ्रांस में, जर्मन में, हॉलैंड में, स्पेन, ऑस्ट्रिया में भी प्रोग्राम रखे हुए थे, इसलिए वहाँ समय थोड़ा ज़्यादा लग गया। सतगुरु रविदास महाराज जी की पवित्र वाणी का शब्द पाठी जी ने जो कहा है, इसकी व्याख्या इनके ऊपर कथा मैं पहले भी किया है, तो रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आप कहीं भूल ना गए। जी जो शब्द गुरु जी का है, अभी अभी मैं यूएनओ में गया था, तो यूएनओ के जो गोल थे उनमें ऐसे लग रहा था कि पूरे के पूरे गुरु रविदास महाराज जी के शब्द के ऊपर ही लिए हुए। तो उधर के जो आदमी बोल रहे थे जो अन्नों में ऐसे ऐसे है, तो मेरे साथ केशव जी थे, मैं उनकी तरफ देख रहा था, कहता हाँ जे सभी गुरु जी की वाणी से ही लिया हुआ, इन लोगों ने हमारे देश में पैदा हुए गुरु जी पर हमारे देश वालों ने उनकी वाणी को पकड़ा ही नहीं, जाना ही नहीं। गुरु प्यारी सत्संगत जियो, सतगुर की महानता में संत करमदास जी ने एक दोहा कहा था, 1433 माघ सुदी पुन्या दुखियां के कल्याण हित प्रकटे गुरु रविदास। 1433 माघ सुदी 15 दुखियां के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। गुरु जी का जन्म दुखियों के दुखों को दूर करने के लिए हुआ। गुरु जी का जन्म चाहे अजहे महापुरुष, ना तो जन्म लेते हैं ना इनकी मृत्यु होती है। गुरबानी में आया है, जन्म मरण दोनों में नाही, जन पारी उपकारी आए। ऐसे जो महापुरुष हैं वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं होते, वो केवल ते केवल परोपकार करने के लिए दुनिया में आते हैं। जब सतगुरु रविदास जी इस दुनिया में आए, संसार में आए, उन्होंने दुनिया की हालत को देखा, हर इंसान का जो जीवन है गमों से भरपूर है, सभी को कोई ना कोई दुख है, चिंता है और डर है। कहीं गुरु जी ने देखा
किसी को घबराहट है, कहीं टैक्सों की चिंता है, कहीं गरीब को अमीर का डर है। गुरुजी ने मन ही मन सोचा, क्यों ना ऐसा वतन हो, कोई ऐसा देश हो जहां पर कोई भी गम ना हो, जहां पर कोई दुख ना हो, अंधो जहां पर कोई चिंता ना हो। चिंता जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारा पीसा ही नहीं छोड़ती। बचपन था तो पढ़ाई की चिंता, पढ़ाई किया तो नौकरी की चिंता, नौकरी मिल गया तो विवाह की चिंता, विवाह हो गया तो बच्चों की चिंता, बच्चे हो गए तो उनको पढ़ाने की चिंता, बाद में बढ़ेपे की चिंता, बढ़ेपे के बाद मौत की चिंता, मरना ठीक हो जाए। गुरु जी कहते कोई ऐसा वतन हो जहां जे कोई भी चिंता ना, जहां आनंद ही आनंद हो। ऐसा वतन ढूंढने के लिए जे दुनिया में हम निकले तो शायद ना आपको मिल पाए। दास को बहुत से कंट्रियों में जाने का सुभाग मिला, बड़ी बड़ी कंट्री जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोप के कई कंट्री, जो अमीर अमीर कंट्री है। तो जब मैं पहली दफा इंग्लैंड गया तो उन लोगों के घर को देख करके, गाड़ियों को देख करके, खाने पीने का सामान देख करके मुझे ऐसे मालूम पड़ा कि बेगमपुरा जे ही है। लेकिन वहां वुलवर हैप्टन गुरु रविदास टेम्पल में मेरा लगातार 15 दिन का सत्संग था। एक दिन जगदीश चाहल जी थे, वो कहने लगे कि कुछ लोग आपसे बात करना चाहते हैं। मैं कह कर ले, कहते आज नहीं कल बाद दोपहर, आज समय हो चुका है तो आप कल दोपहर का समय दीजिएगा। मैं कह मैं इधर ही गुरु घर में ही मिलूंगा। तो दूसरे दिन बाद दोपहर वो आ गए लोग। मेरे मन में है कि जे बताएंगे कि इस देश में आकर के हमने कितना आनंद मानिया है, जे मेरे मन में था। जब वो लोग आए बैठ गए, मैंने कहा बताओ क्या कहना चाहते हो, तो हाथ जोड़ करके बोलने लगे, स्वामी जी हम दुखी बहुत हैं। मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे झूठ बोल दिया इन लोगों ने, इस देश में कौन सा दुख। मेरे मुंह से निकल ही गया, मैं क्या आपको कौन सा दुख, इतनी इतनी बड़ी गाड़ियां आपके पास, इतने इतने अच्छे मकान आपके पास, इतना इतना बढ़िया बिजनेस है, खाने के लिए बढ़िया भोजन है। तो उनसे एक बोला, स्वामी जी हम भारत में भी ठीक ही थे, लेकिन मन में सोच आया बच्चों का भविष्य बढ़िया हो जाए, हमने अपने घर को विक्री कर दिया, अपने देश को, अपने राज्य को, अपने भाई बहनों को वहां छोड़ आकर विदेश में आए, जहां पर आकर के हम बहुत मेहनत किया,
बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई, लेकिन 5 साल हो गए, बच्चे गुम हो गए। मैं कहा गुम हो गए? हाँ जी, किसी मेले में नहीं महाराज जी, जहां के कल्चर में, जिस कल्चर को जे मालूम नहीं है कि माता पिता क्या होते हैं। इन्होंने 2 दिन रखे हुए हैं, एक मदर डे एक फादर डे, जे एक एक गुलदस्ता लेकर के उस दिन हमें दे जाते हैं, उसके बाद कभी नहीं मिलते। मेरी घर वाली रो रो के अंधी हो गई, कृपा करो हमारे बच्चे हमारे घर आ जाए, आप देखिएगा हमारा घर इतना बड़ा, हम इनके लिए घर बनाया था, अब जे रह ही नहीं रहे तो वो घर क्या करेंगे। मैंने उनको हौसला देते हुए, दिलासा देते हुए कहा, पंक्षी भी तो अपने बच्चे पालते हैं, तो बच्चे जब पल जाते हैं वो उडारी मार करके उड़ जाते हैं, वो तो दुखी होते नहीं, आप क्यों हो रहे? स्वामी जी वो पंक्षी है, हम इंसान हैं, हमारी रग रग में ब्लड रिलेशन का प्यार भरा हुआ। मेरे पिता ने अपने दादे के पास टाइम पास किया, मैंने अपने पिता के, हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी हमारे पास रहे। उनकी भी आंखें नमी से भर गई। दूसरे को पूछा, आप बताइएगा, कहने लगा मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, करता था, वहां जो नलके हैं उनकी टूटियां हैं जो, वो बनती थी। मैंने सोचा कि किसी के काम क्यों करना है, सारी उम्र गुलामी ही करते रहेंगे, अपना काम शुरू कर लिया, लेकिन घाटा ही घाटा पड़ रहा, अब तो दिवाला निकलने वाला हो गया, कृपा करो, बहुत दुखी हैं हम, हमारा काम ठीक चल पड़े। तीसरे ने अपने परिवार की बात कह दिया, चौथे ने कह दिया मेरा शरीर ठीक नहीं है, बहुत दुखी हूं मैं। मैं मन ही मन सोचने लगा, ऐ सतगुरु रविदास जी, मैंने तो सोचा था जो बेगमपुरे की आपने बात कहा है, जे ही बेगमपुरा है, अगर जे भी बेगमपुरा नहीं है तो वो बेगमपुरा कहां पे है। बहुत सोचने के बाद मैंने अपने मन में जे सोच लिया कि वो मरने के बाद ही मिलेगा, फिर वो जीते जी बेगमपुरा नहीं मिलेगा। इसीलिए जब कोई मर जाता है तो अभी अभी चमनलाल जी बोल रहे थे वो स्वर्गवास हो गया, किसी का नाम लेकर के। जब कोई मर जाता है तो उनके नाम के साथ क्या जोड़ दिया जाता है? स्वर्गवास, अब स्वर्ग में गया। जीते जी किसी को स्वर्गवास कह दे तो वो बहुत गुस्सा करेगा, मुझे जीते जी मार दिया, स्वर्गवास बुरा शब्द नहीं है। स्वर्गवास जहां सुख में वास हो जाए तो इंसान को जे पक्का यकीन बन चुका है कि जीते जी स्वर्ग नहीं मिलेगा, और मरने के बाद भी स्वर्ग मिलेगा नरक मिलेगा इसमें बारे भी हम कुछ भी नहीं बोल सकते। मुझे संत बने 50 साल हो गए, मेरे दादी दादा दुनिया से मेरे हाथों में चले गए, माता पिता भाई, मुझे किसी ने आकर नहीं बताया कि मैं वहां स्वर्ग में हूं या नरक में,
औरों की बात मैं करता नहीं, कहानियां जरूर बना ली लोगों ने, वो उनको सपने में आया मैं वहां पे हूं, वो महाराज जी गाड़ी लेकर के मुझे ले गए, ये बातें हैं कहने की। सामने सामने आकर के कभी किसी ने नहीं बताया मैं स्वर्ग में हूं जा वहां नरक में। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि मरने के बाद वाले स्वर्ग की बात नहीं सोचना, बल्कि आपने जीते जी अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है। गुरु जी कहते मैं मरने के बाद वाले स्वर्ग की बात नहीं कर रहा, मैं तुझे जीते जी स्वर्ग में लेके जाना चाहता और इसी जन्म में लेकर के जाना चाहता। क्या आप उस स्वर्ग में जाना चाहेंगे, उस बेगमपुरी में जाना चाहेंगे? गुरु जी ने बड़ा सुंदर अपनी वाणी में आगे पंक्ति में ऐसे कहा है, अब मुहे खूब बतन गह पाई वहां खैर सदा मेरे पाई। अब का पाव है अभी, मैंने उस वतन को पाया है, उस देश को पाया है जहां सदीवी आनंद है, वहां खैर सदा मेरे पाई, जहां सदीवी खैर का भाव है अनंत सुख, जहां सदीवी आनंद है। दुनिया के पैसे से हम सहूलतें ले सकते हैं, पैसे हो अच्छा मकान बना लिया, पैसे से अच्छे पदार्थ खरीद लिए, आनंद नहीं खरीदा जा सकता। बड़े बड़े परिवारों के अमीर घरानों के लोग कई दफा सुसाइड कर जाते हैं, पूछे क्या बात थी, वो दुखी बहुत था। पैसे से दुनियावी पदार्थ हम खरीद सकते हैं, आनंद नहीं। आनंद एक अलग कहानी है, गुरुजी उसकी बात कर रहे हैं कि मैं आपको वो बेगमपुरी में लेके जाना चाहता हूं अभी इसी जन्म में। क्या आप बेगमपुरी में जाना चाहेंगे, जहां पर गुरुजी ने उस बेगमपुरी को दो भागों में बांट दिया, एक है आध्यात्मिक बेगमपुरा और दूसरा है सामाजिक बेगमपुरा। समय इतना नहीं है कि मैं दोनों को लेकर चलूं। आज हम केवल और केवल आध्यात्मिक बेगमपुरी की बात करेंगे। वो आध्यात्मिक बेगमपुरा कब प्राप्त होगा? गुरु जी कहते हैं आ तुझे मैं उस बेगमपुरी में ले चलता हूं, पकड़ मेरी उंगल, कहने का भाव मेरी वाणी को पकड़। गुरु जी ने कहा है चित सिमरन करो, नैने अवलोकनो, सर्वन वाणी स्पुर राख्यो, मन कर मधु कर करो, चरण हृदय तरयो, रसन अमृत राम नाम पाख्यो। गुरु जी कहते हैं अगर आप अपने जीवन को बेगमपुरी में बदलना चाहते हैं तो अपने अंतर ही अंतर मेरे नाम का सिमरन कर, जो गुरु जी ने हमें नाम दिया हुआ है। अगर आप गुरु चरणों में जुड़े हैं तो आपको शब्द जो मिला है उसका अपने अंतर ही अंतर सिमरन करना है।
अगर गुरु चरणों के साथ नहीं जुड़े तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। गुरु जी ने जो हमें नाम दिया है ना, कहे रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहार। जो संत लोग हमें नाम देते हैं उसमें भी जे ही बताते हैं लास्ट में, वो सतनाम का मंत्र है। अगर आप किसी गुरु चरणों में नहीं जुड़े तो भी घबराने की बात नहीं, वो सतनाम को मंत्र को अपने अंतर ही अंतर सिमरना होगा। जब अंतर ही अंतर सतनाम का सिमरन करेंगे, जबान से नहीं, जहां पर गुरु जी जो बात कर रहे, जैसे गुरु अंगद देव जी ने भी ये बात कहा, अखी बाजों देखना विन कन्ने सुनना, जीबे बाजों बोलना पैरी बाजों चलना, विन हथे करना जीबे बाजों बोलना, आऊ जीवत मरना, नानक हुक्म पसाने ता ओ खसमे मिलना। जबान के बिना अपने अंतर ही अंतर उस शब्द का सिमरन करना है, कानों से अंतर ही अंतर शब्द की ध्वनि को सुनना है, आंखों के पीछे अंतर ही अंतर ध्यान लगाना। गुरु जी ने इस ध्यान साधना को कुछ ऐसे भी बता दिया, सहज समाध उपाद रहत फुन वड्डे पाग लिव लागे, कहे रविदास परिकास हृदय तार, जन्म मरण पह पाग। सहज समाध उपाद रहत, मन को उपाधियां से रहत करना है, विकारों का त्याग करना है। सबसे पहले अगर आप विकारों को छोड़ते नहीं है, आप निंदा को नहीं छोड़ते, चुगली को नहीं छोड़ते, नफरत को नहीं छोड़ते, क्रोध को नहीं छोड़ते, नशों को नहीं छोड़ते, तो सिमरन का इतना फायदा होने वाला नहीं। कपड़ा गंदा होगा तो उसमें रंग निखार नहीं लाएगा। अगर रंग निखार चाहिए तो कपड़ा साफ चाहिए, तो इसलिए मन को पहले साफ करना, शुद्ध चाहिए मन, तो फिर वो सिमरन के साथ जुड़ जाइए। तो जब अंतर ही अंतर जुड़ेंगे तो कहे रविदास परिकाश हृदय तार, तो अंतर ही अंतर आप जुड़ जाएंगे तो आपके अंतर ही अंतर वो प्रकाश हो जाएगा। आप प्रभु के साथ जब मिल जाएंगे तो प्रभु के घर से आ रही वो ऊर्जा आपके अंतर ही अंतर प्रवेश करना शुरू कर देगी। जब वो ऊर्जा आपके अंतर ही अंतर प्रवेश कर जाएगी तो आपका जो अंतर ही अंतर उस पावर से भर जाएगा, आप पावरफुल हो जाएंगे। जब आप पावरफुल हो जाएंगे तो आपकी आत्मा कह देगी, बेगमपुरा शहर को नाओ दुख आंदाओ, नहीं ते ठाओ नात सबीस, खिराज ना माल खौफ ना खता न तरस जवाल। जब उस शब्द के साथ आप जुड़ गए, आपके अंदर वो ऊर्जा आ गई, जहां पर एक बात जरूरी है, दिल से जुड़ना है, मन बुद्धि ध्यान को चारों ओर से हटा करके अंतर ही अंतर जुड़ना है,
कोई और बात नहीं सोचना है तो फिर प्रभु के घर की पावर आपके अंतर ही अंतर भर जाएगी, आपका जीवन बेगम पूरा हो जाएगा। रूह कहेगी मैं वहां पहुंच गई हूं जहां कोई भी गम नहीं है, दुख वहां पर कोई दुख नहीं है, जी नहीं है कि ऊपर कोई मुसीबत आएगी नहीं, मुसीबत गुरमुख पर भी आ जाती है, लेकिन वो रूह इतनी पावरफुल हो जाती है, वो पुकार देती है चंगी हां जा मैं मंदी हां, मैं ते तेरे ही रंग विच रंगी हां, हुन दुख दे पावे सुख दे मैनू दोने ही गल्ला हुन चंगी। एक ऐसी अवस्था मिल जाती कि वो रूह कहती है कि मैं हुन आनंद ही आनंद पाऊंगी चाहे मुसीबत आ जाए। अंदो चिंता जो सभी लोग इसके बीच पड़े हुए, हम जहां जितने भी लोग एकत्र हैं, 700 है, 500 है, 1000 है, कोई हमें पूछे कि आपको कितनों को शुगर की बीमारी है, तो हो सकता है 10% लोग कह दे कि हमें शुगर की बीमारी है। अगर कोई बोल दे कि बीपी कितने को है, तो हो सकता है 8% जे बोल दे कि हमें बीपी का भी बीमारी है। अगर बोल दे कि आपको हार्ट की बीमारी कितने लोगों को है, हो सकता है इक्का दुक्का वो भी मिल जाए। अगर आपको बोल दे आकर के इधर कोई, आपको चिंता कितने लोगों को है, तो हो सकता है सभी कह दे कि हमें चिंता है। पर गुरुजी कहते हैं अगर आप मेरे शब्द के साथ जुड़ेंगे तो आपको कोई भी चिंता नहीं रहेगी। गुरुजी ने स्पष्ट अपनी वाणी में कहा है, रविदास मैं क्यों चिंता करूं, चिंता मोहना कोए, राम मेरी चिंता करे मम चिंता क्यों होए। कहते मैं क्यों चिंता करूं, मेरी चिंता मेरा मालिक करेगा, अब मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, सभी चिंता खत्म। तो सभी इस घबराहट खत्म, खौफ डर सभी डर खत्म। कहे रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोनी काम, जो भी नाम जपेगा ना नरका का डर, ना जम्मा का डर और ना 84 का डर, जहां तक उसे मरने का भी डर नहीं सताएगा। सबसे बड़ा डर क्या है, मौत का। सभी लोग मौत से डरते हैं, हर एक सोचता है मैं जीता रहूं, लेकिन जो शब्द के साथ रूह जुड़ गई वो इतनी पावरफुल हो गई उसे मौत का भी डर फिर नहीं सताएगा। वो कहती है जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन ने आनंद मरने ते ही पाईए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जे दुनिया के लोग डर रहे हैं, मेरे मन में मरने का भी डर नहीं है, मैं मर के भी परम आनंद को पाऊंगी, मैं मर के भी प्रभु को पाऊंगी, लोक सुखिए परलोक सहेले, ऐसी रूह
जहां भी सुखी है आगे भी सुखी। तुझे बेगमपुरे को हमने पाना है गुरु जी के शब्द के साथ जुड़ करके। जैसे भी है आप थोड़ा सा समय जरूर निकालिएगा, प्रभु के नाम को जरूर जपिएगा। जब आप उनके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे तो आप पावरफुल बनते जाएंगे। आज से जी प्रण करना कि मैंने अपने आप को प्रभु के नाम के साथ जरूर जोड़ना। गुरु प्यारी सत्संग जी, सुबह उठते सार आम लोग क्या करते, मोबाइल को चार्ज करते। हमने मोबाइल को नहीं, आज से प्रण लेना अपने आप को चार्ज पहले करना है प्रभु नाम के साथ जोड़ करके। जब चार्ज हो जाएंगे ना तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। जो लोग उस बेगमपुरे को प्राप्त करके वहां का जो नक्शा है गुरु जी ने कुछ ऐसे आगे बयान किया है, पातशाह जी अपनी वाणी में आगे ऐसे फरमाते हैं। कायम दायम सदा पातशाही, दोमना सेम एक सुवाही, आबादान सदा मशहूर, उहां गनी बसे मामूर। कायम दायम सदा पातशाही, मेरे उस बेगमपुरे में एक ही राजे का राज है। किसका? अकाल पुरख का। वो ऐसा राजा है जो सभी प्रजा को एक बराबर जानता है। ऐसे गुना वाला अगर इस दुनिया में भी राजा हो जाएगा ना तो ये दुनिया में बेगमपुरे में बदल जाएगी। दोमना सेम एक सोवाई, मेरे उस बेगमपुरे में दूसरे तीसरे के लोग नहीं है, सभी बराबर है। एक पिता एक सके हम बार, वहां कानून है फादरहुड ऑफ गॉड और ब्रदरहुड ऑफ मैन। हम सभी एक पिता की संतान हैं, सभी भाई भाई हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सभी बराबर है। आवादान सदा मशहूर, ओहा गनी बसे ममूर। आवादान ओ गनी सोनी सुंदर आबादी दे वासी कौन होंगे? घनी लोग, गनी का पाव धनी लोग। कौन सा धन? नाम का धन। जिन्होंने नाम का धन कमा लिया वो मेरे बेगमपुर के वासी बन जाएंगे। तो हमने जहां दुनियावी धन एकत्र कर रहे हैं, नाम का धन भी जरूर एकत्र करना है। वैसे तो महापुरुषों ने कहा है कि दसवंध निकालना है। दसवंध का भाव है दसवां हिस्सा, चौबीस घंटे का दसवां हिस्सा सवा दो से ढाई घंटे बन जाते हैं। अगर इतना समय एक टाइम में ना मिले, दो घंटा सुबह तो घंटा शाम को प्रभु नाम के साथ जरूर जुड़े। अगर एक एक घंटा नहीं मिलता तो आधा आधा घंटा कर ले। अगर बहुत मजबूर हैं आप तो गुरु जी ने हो रियात कर दिया, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से फनेयाद 15 मिनट के लिए। लेकिन मन बुद्धि ध्यान को चारों ओर से हटा करके अंतर ही अंतर जुड़ना होगा। जब अंतर ही अंतर जुड़ जाएंगे तो आप वो बेगमपुरे को प्राप्त कर लेंगे। गुरु जी फिर शब्द की आगे वाली पंक्ति में ऐसे बताते, त्यों त्यों सैल करे ज्यों पावे,
महरम महल ना को अटकावे कहे रबदास खलास चमारा जो हम शहरी सो मीत हमारा। गुरुजी कहते हैं त्यों त्यों सैल करे ज्यों पावे महरम महल ना को अटकावे। मेरे बेगमपुरे में जो भी आता है उसे कोई रोक टोक नहीं। दो तीन रोज के पहले की बात है, कोई परिवार आया तो बहुत परेशान। मैं क्या क्या बात हुआ, बहुत परेशान है, चेहरा आपका मुरझाया हुआ है। कहते क्या बताएं, बेटे की फाइल लगाया था, इसने ऑस्ट्रेलिया जाना था, काम नहीं बना, वीजा नहीं मिला, रिफ्यूज हो गई फाइल इसकी। जी उन कंट्रियों की मर्जी है, वीजा दे चाहे ना दे, किसी भी कंट्री की जाने की हम जब सोच बनाते हैं तो उनकी मर्जी है, वो वीजा दे चाहे ना दे। पर गुरुजी कहते हैं मेरे बेगमपुरे में आने के लिए आपको कोई रोक नहीं, बस मेरे नाम के साथ जुड़ जाना, आप बेगमपुरे आ जाएंगे। कही रवदास खलास चमारा जो हम सहरी सुमीत हमारा। गुरुजी कहते हैं मेरा मित्र मेरा सरदालू मेरा सेवक कौन है, जो बेगमपुरे का वासी है, जिसने अपने जीवन को स्वर्ग बना लिया, जिसने अपने परिवार को स्वर्ग बना लिया। वो ही गुरुजी के शिष्य हैं जिन्होंने अपने जीवन को अपने परिवार को स्वर्ग बना लिया है, जिन्होंने अपने जीवन को नरक बना रखा है वो गुरुजी के शिष्य नहीं। तो जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए हमने करना क्या है? सबसे पहले गुरुजी ने कहा सत्संगत मिल रही ये मादेव जैसे मदब मखीरा। सबसे पहले गुरुजी कहते हैं परिवारों में प्रेम प्यार रखे। क्या प्यार परिवारों में समाज में सोसाइटी में प्यार होना चाहिए। अगर प्यार नहीं है तो गुरबानी में आया अत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी तनवंत मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। अत सुंदर कोई बहुत खूबसूरत है, मुख ज्ञानी वो बहुत ज्ञान की बातें करता है, सभी ज्ञान उनको ज्यादा है, बहुत पैसे वाला है, बहुत दानी है, लेकिन प्यार नहीं तो मुर्दा है। जहां कट प्रेम न संचर सो गट जान मसान जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। आज के बच्चों को क्या सियाने आदमियों को भी मालूम नहीं है जे श्लोक का, क्योंकि पहले समयों की बात है, हम बचपन में होते तो हमने देखा हुआ है। जो लोहार होते थे ना वो खाल से अपनी पट्टी को पकाते थे, वो सांस लेती मालूम होती थी लेकिन उसमें जान नहीं होती। जैसे मिंट्री बैंड आपने देखा होगा याद आ गया, वो नीचे रखा होता उन्होंने कुछ तो ऐसे ऐसे करते, वो सांस लेते मालूम होता लेकिन जान
नहीं होती। ऐसे वो इंसान जिनमें प्यार नहीं है, जीते जी मुर्दे हैं वो। मैं जब यूरोप में गया तो वो लोग रोजाना मुझे कहीं ना कहीं ले जाते थे, नई चीज देखने के लिए। कभी वो समुंदर के किनारे, कभी पार्लियामेंट में, कभी जूएनो में, कभी पेरिस के टावर को दिखाने के लिए, कभी कोई बंदर का दिखाने के लिए। एक दिन वो कब्रस्थान में ले गए तो उधर की कब्रें हमारे से बिल्कुल अलग सी, बहुत महंगा महंगा मार्बल लगा करके कब्रें बनी हुई थी। उनका नाम बर्थ और मृत्यु लिखा हुआ था, कहीं कहीं कोई कोई गलदस्ता रखा हुआ था, सैकड़े कब्रें थी। तो एक दो मैंने भी देखा, वो गलदस्ता लेकर के आए। उसने पूछा, जो हमारा साथी था, आप कैसे, जो उनकी लैंग्वेज थी उसके अनुसार। तो वो कहने लगे, हमारा बेबी है इधर, आज उसका बर्थडे था, उसे खिडौने देने आए हम। मैं इनका बीवी, कहते नहीं उनकी मृत्यु हो चुकी है, अपने मन की इनकी है श्रद्धा प्यार, उनके जहां डेड बॉडी है वहां जी सोड़ देंगे। सैकड़े कब्रें थी, लेकिन एक दूसरे से वो बात करते हैं, हर एक में शरीर है, करती नहीं करती, नहीं करती। बहुत सुंदर कब्र थी, लेकिन एक दूसरे से वो बात नहीं करते। हमारा घर बहुत सुंदर है, एक मकान में पुत्र है, दूसरे में बाप है, एक में बहू है, एक में सास है। अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करते, हमारे में मकान में तो उस कब्रस्थान में कोई अंतर है? तो अपने मकान को कब्रस्थान हमने नहीं बनाना है, ये गुरु जी का कहना। हम जीते जी इंसान हैं, हम तो कभी कभी परेशान हो जाते हैं, दो मियां बीबी है, एक ही बेड पर, एक का मुंह इधर होता है, एक का इधर। क्या कोरोना काल चला गया, कितने लोग चले गए हमारे से, वो अब हम उनके साथ बात कर पाएंगे? हम मुर्दे नहीं बनना। एक दिन एक बात हुआ, वो सास कहती, मैं तो बोलती हूं, बहू नहीं बोलती। मैं क्या, वो उसको मुर्दा बनने दे, आप जीते जी इंसान बनना। आपने सोचना, मैं जीती जी जान हूं, मैं उनसे बात करूंगी, वो नहीं करती तो ना करे। हम जो मकान है ईंटों पत्थरों से बनता है, परिवार प्यार से बनता। परिवार जो किसी के ऊपर वार नहीं करता, क्या है हम लोग? गुरु जी के शिष्य हैं, गुरु जी ने हमें क्या बताया है, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है। दूसरा बात गुरु जी ने कहा, सुरसरी सल्लल किरत बार नीरे, संत जन करत नी पानन। सुरसरी देव नदी गंगा को कहते हैं। अगर शराब गंगा जल की भी बना हो, बारनी शराब को कहते हैं, तो भी नहीं पीना, नशा कभी सेवन नहीं करना, अगर आप गुरु जी के शिष्य हैं। जी गुरु जी कह रहे हैं, दुर्मत का त्यागन करो, ले हो गुरमत खोज, खोटी मत को त्याग दो। इन पंचन मेरे मन जो बिगाड़ियो, पल पल हर जी ते अंतर पारियो। जे पांच विकारों ने हमें प्रभु से अलग कर दिया, जिसमें काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है। इनमें एक ही विकार ले लो, क्रोध। क्रोध बहुत नुकसान करके जाते, कभी क्रोध नहीं करना।
क्रोध परिवारों में दूरियां बढ़ा देता है, सोसाइटियों को बिखार देता है। क्रोध करने से अंतर ही अंतर इंसान जलता रहता। कई दफा कई कहते हैं मुझे थोड़े समय के लिए आता है, अरे एक्सीडेंट घंटों का नहीं होता, थोड़े पलों का होता है। हमने क्रोध को सदा के लिए त्यागना होगा। और एक मांग्यो भगत चिंतामणि और प्रभु के नाम के साथ जुड़ना, तो हम गुरु जी के शिष्य बन जाएंगे, उनके सच्चे सच्चे सेवादार होंगे। अगर हम उनकी बात नहीं मानते तो गुरु जी ने उनके लिए भी कहा, हर सो हीरा साड कै करे आन की, ते नर दोजक सत पाखे। गुरु जी कहते एक मैं सच्ची बात बता दूं, अगर आप प्यार को छोड़ करके नफरत रखेंगे मन में, परिवारों में सोसाइटियों में, अगर आप नाम को छोड़ करके नशे करेंगे, अगर आप में विकार रहेंगे, तो आपका जीवन नरक बन जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, गुरु जी कहते हैं। तो हमने अपने जीवन को नरक नहीं बनाना, क्या बनाना है? स्वर्ग बनाना। तो स्वर्ग कब बनेगा? जब गुरु जी की बात को मानेंगे। हो सकता है जी 40 मिनट का सत्संग आपको ज्यादा ना रहे, तो इतना ज्यादा जरूर रख लेना। सबसे पहले प्यार को छोड़ना नहीं हमने, कुछ भी हो जाए ज्यादा रहेगा। दूसरा क्रोध नहीं करना, जी जा तो रहेगा लेकिन आएगा क्रोध, नहीं कोशिश करना। ज्यादा रहेगा लेकिन आएगा, लेकिन हमने कंट्रोल करने की कोशिश करना है। आने वाले साल को बता देना मुझे आकर के कि मैंने क्रोध को छोड़ दिया था। आप पहले ऐसे करें, व्रत रखते हैं कई लोग, व्रत वो रोटी वाला बंद कर दे, क्रोध वाला शुरू कर दे। मैं क्रोध नहीं करूंगी, मैं क्रोध नहीं करूंगा। रोटी खाओ, खूब खाओ, उससे खाने का कोई नहीं है, क्रोध के खाने का। तो क्रोध नहीं करना है ना, तो नशे के बीच नहीं जाना। मुझे मालूम है कि आप जितने भी इधर बैठे हैं, बेटियां तो वैसे ही नहीं नशा करती, तो जो भाई हैं इधर आए हुए, इनमें भी मेरा ख्याल है 80% अच्छे ही होंगे। जे मुझे मालूम है, यकीन है मंडी के ऊपर, कि जो इधर आए हैं 80% नशों के मुक्त हैं, 20% आज छोड़ जाएंगे, छोड़ जाना, नहीं लेके जाना साथ। तो जो गुरु जी का शब्द है, अगर आपने नाम लिया नहीं तो सतनाम का मंत्र एकांत मन से जोड़ लेना, रोजाना अपने आप को चार्ज करते रहना, आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। जे ही बात है, इनको याद रखना। मुझे यकीन है कि जे चार बातें आपको जरूर याद रह जाएगी, और इसी से ही हमारा जीवन बेगमपुरे में बदल जाएगा। हम गुरु जी के सच्चे सच्चे श्रद्धालु बन जाएंगे। अगर हमारा जीवन नरक रहेगा तो गुरु जी के हम श्रद्धालु नहीं हैं, इसलिए हमने सच्चे सच्चे श्रद्धालु बनना है। आप सभी को मेरी तरफ से जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। एक दो बेनती आगे आजाद, बहुत लोग जो है नहीं जानते होंगे, तो कुछ लोग जानते होंगे। आश्रम के सभी प्रोग्राम जो है यूट्यूब चैनल है जगतगिरी करके, उसमें दिए जाते हैं। तो जिन लोगों को मालूम नहीं है वो याद रख ले कि जितने गुरु रविदास जी की वाणी को सरल तरीके से, और रवि महीने के लास्ट रविवार को जो भी वाणी आती है ना उसमें, वो हिंदी में होती, बाकी पंजाबी में।
तो पंजाबी भी आपकी समझ में आ ही जाएगी। मैं काफ़ी शब्द पंजाबी के ही ले रहा हूँ। तो मेरी ओर से जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। राग तनासरी बाणी साहब सतगुरु रविदास महाराज जी की आरती। एको ओंकार सतगुरु प्रसाद। नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा, नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा। नाम तेरा केसरो लेस टेकारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो। गासे जपे नाम ले तुझे को चारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। जे आरूपमन सगलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, नाम तेरो तागा नाम फूल माला। पारे अठारा सगल जोठारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो तुझे क्यार पाऊं, तेरो किया तुझे क्यार पाऊं। नाम तेरा तो ही चवर डोला, अरे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। दास अठ सठ चारे खानी है, वर्तन है सगल संसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कहे रवदास नाम तेरो आरती, कहे रविदास नाम तेरो आरती। सत नाम है हरे भोग तोहा, हरे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे।
हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हरदास रवदास नामिका जगत में चंडा गढ़ाय पार, पाप पुरुष सब थक गे जिसे न पर्यार। रविदास नामिका जगत में सूरज चमक रिया, उपदेश लिया जिस गुरु से हिरदा दम करिया। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल, प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिन पर दयाल। स्वास जाए परवाह न करूं पुन पुन लायो वाक, भगत जान बैराग की तरो अपना हाथ। बेनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास, कृपा की जे उदास ते करो बोध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, जो सरदा कर सेव दे सतगुर पार उतारन हार। नमस्कार गुरदेव को जुग जुग तारन हार, चिता च मारी सी बाल्मीक जी नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर, जैन बहादुर सैन की संभोग ऋषि बलवीर। रंका बंका पीलनी भगत बिठार निहास, लो लंगर चलते रहे करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान, गुरु रविदास ऋषि बाल्मीक जी सदा करे कल्याण। गुरु रविदास ऋषि बाल्मीक जी सदा करे कल्याण। सिलोक हर सो हीरा साढ़ के करे आन के आस, ते नर दोज के जाएंगे सत पाखे अवदास। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, सोट बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न, सोट बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सोनर पैर रविदास महाराज की जय, जो बोले सोनर पै स्वामी जगत गिरी महाराज की जय, जो बोले सोनर पै सर्व पेख भगवान की जय। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास, धन गुरुदेव।